Good morning. First of all, we want to thank the people of Dima Hasao. हम उन थैंक कर रहा है डिमा हसाओ के वासियों को कि जो 12th NCHills Autonomous Council का इलेक्शन हुआ था उसमें आप लोग ने हमको सपोर्ट किया. हाँ, अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज़्यादा सीट तो हम लोग जीत नहीं पाए, पर जो आप लोग ने हम लोग का साथ दिया और स्पेशली हाफलोंग और गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें आप लोग ने हम लोग को पूरा फुल सपोर्ट से जिताया कांग्रेस पार्टी को, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले. और आज आपके साथ हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता है डिमा हसाओ के लोग के साथ में, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. जो ये जो इलेक्शन हुआ हम लोग का, तो ये जो इलेक्शन है वो हमारे लिए तो इलेक्शन नहीं था, ये एक वार था. और वार में हमेशा एक फाइट नहीं होता है, ये पहला फाइट है. अभी और सारा फाइट आने बाकी है. एमपी इलेक्शन आने वाला है, उसके बाद सिर्फ दो साल के अंदर में हम लोग का एमएलए इलेक्शन भी आने वाला है, स्टेट इलेक्शन आने वाला है. ये जो इलेक्शन है वो सबसे हम लोग का हिस्ट्री में, डिमा हसाओ का हिस्ट्री में ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें पैसा का, मनी एंड धमकी का, मतलब मसल पावर, मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल ऐसा किया कि ये पब्लिक का हार हो गया. आप लोग मालूम है, न्यूज़ में भी निकला था कि टिकट के लिए, रूलिंग पार्टी का टिकट के लिए कैसा गुवाहाटी में, मतलब दलाली जैसा उसमें पैसा का लेन देन हुआ. उसके बाद यहाँ आके छोटा छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, जहाँ में 1200-1300 वोटर्स है, वहाँ में भी इतना पैसा फेंका गया. तो सोचने का बात है कि उतना पैसा अगर 5 साल में डेवलपमेंट में लगाता रहा तो शायद ऐसा पैसा फेंक के वोट मांगने के लिए बात ही नहीं आता रहा. पब्लिक लोग ऐसे ही खुश होकर वोट दे देता रहा, जो भी पार्टी का हो. लेकिन ऐसा मतलब पैसा का खेल रचा, तो ये बहुत दुख का बात है. तो लेकिन कांग्रेस पार्टी हम लोग हमेशा पब्लिक के लिए सोच के फाइट कर रहा है. अभी नया पार्टी है, नया पार्टी नहीं है बट नया से हम लोग जोश से निकला है. और बहुत लोग नया कॉन्टेस्टेंट था, उसको आप लोग ने सपोर्ट दिया, इसके लिए फिर से थैंक करता है. दिगेर जैसा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग का जो कॉन्टेस्टेंट था सातमी तंग खोंगसाए, जस्ट 84 वोट से, अराउंड 84 वोट से हारा है. बहुत टफ फाइट दिया है. माहूर में भी हम लोग को यंग कॉन्टेस्टेंट ज्वेल सेंगयुंग ने बहुत बहुत टफ फाइट दिया है. तो इसलिए आप लोग का बहुत फिर से मैं थैंक करता हूँ. द फाइट इज़ नॉट ओवर, पिक्चर अभी भी बाकी है. और सेकेंडली, इस बार का इलेक्शन में ऐसा हुआ है कि जो कोर इश्यूज़ है, अभी जो मेन इश्यूज़ है, जो हम लोग का पूरा काउंसिल को, जो हम लोग का सिक्स शेड्यूल को, जिसके लिए ये इलेक्शन भी हो रहा है, उसको जो थ्रेट है उसके बारे में डाइवर्ट कर दिया, इसको ये टॉपिक का पूरा डाइवर्ट कर दिया. तो फॉर्चुनेटली हफलोंग टाउन और गर्म पानी, जहाँ थोड़ा लोग थोड़ा इन टच रहता है न्यूज़ से, करेंट न्यूज़ जो होता है वो लोग थोड़ा इन टच है, तो वो लोग ये बात को समझा, इसलिए वो लोग ने डायरेक्टली जो बीजेपी पार्टी है और उसका ये पॉलिसी है उसको रिजेक्ट कर दिया. लेकिन गांव-गांव में जहां थोड़ा न्यूज़ का पहुंचने में और इवन आदमी लोग का जो एजुकेशन लेवल है जो थोड़ा कम है, वहाँ ये सब इश्यूज़ को पूरा दबा के रखा. नंबर वन हो गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जिसके लिए आज देखो सब जगह पूरा नॉर्थ ईस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है. मिजोरम ने तो बोल दिया कि 26 जनवरी को भी वो लोग बॉयकॉट करेगा. मणिपुर ने भी ये डिसीशन लिया है, मणिपुर का आदमी लोग. हम लोग का यहाँ अभी तक इसके बारे में गांव-गांव में, जहाँ एक्चुअली ट्राइबल लोग, इंडिजिनियस पीपल लोग जो सबसे ज़्यादा मतलब विक्टिम होगा, वो लोग को पूरा इग्नोरेंट बना के रखा है. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल मैं क्लियर करना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट ए ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल का इशू नहीं है ये. इट इज़ एन इशू ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड ए थ्रेट टू द डेमोग्राफी एंड द इकोनॉमिक डेमोग्राफी ऑफ आवर प्लेस ऑल्सो. सेकेंडली, इट इज़ नॉट ए बेंगोली वर्सेस ट्राइबल और बेंगोली वर्सेस एसएमईस इशू. इसको डाइवर्ट कर रहा है ऐसा दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है. इमिग्रेंट्स जब विदाउट एनी चेक कहीं भी जगह में आएगा, तो हम लोग का यहाँ का इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, हम लोग को यहाँ में डेमोग्राफी का इफेक्ट करेगा.
future of the local people log ko affect karega. Otherwise, NRC jo tha, NRC jo itna time se hum log ka time usme laga, hum log ka paisa usme kharch hua, usko pura meaningless banata hai. At the same time, Citizenship Amendment Bill is a very communal and divisive bill. Jo clearly matlab Hindu Muslim ko ekdam divide kar deta hai, aisa wala bill hai. Hum log ka history mein, Indian Constitution mein, Indian Constitution jahan mein likhta hai ki India is a secular country, usme first time aisa bill introduce karne ka try karte hai jahan mein jaat ko leke, religion ko leke discriminate karke ek bill banata hai. So this is a sad thing. और जब ऐसा वाला चीज अगर स्टार्ट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोग का होली बुक है जिससे हम लोग का देश चलता है उसमें अगर ऐसे डिवाइसिव बिल आज इंट्रोड्यूस करेगा तो फ्यूचर में और क्या होगा वो हम बोल नहीं सकता. आज मुस्लिम को ऊपर में डिस्क्रिमिनेट करके ये बिल बनाया, कल क्रिश्चियन को ऊपर में बनाएगा, कल किस ट्राइबल को ऊपर में बनाएगा, कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज वाई आदमी लोग मालूम हुआ है और प्रोटेस्ट कर रहा है. बस बट डिमा हसाओ में ये बात को पूरा छुपा के रखा है, पब्लिक का अवेयरनेस बहुत कम करके रखा है और हम लोग ऐसे पार्टी हम लोग पुश किया इस इलेक्शन में और करते रहेगा जब तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं होगा. सेकेंडली, जो इमिडिएटली हम लोग को इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि अप्रूव कर दिया है 6 शेड्यूल अमेंडमेंट बिल जो होने वाला है उसको अप्रूव कर दिया है बोला है. तो उसमें एक दो बात है. एक चीज़ हम लोग वेलकम करता है जो आर्टिकल 280 को एमेंड करने का बात है जिससे हम लोग का फाइनेंस कमीशन का अंदर में हम लोग को 6 शेड्यूल एरियाज आ जाएगा, उसको हम लोग वेलकम करता है. हम लोग को एरियाज में फंड्स का ज़रूरी है एंड 6 शेड्यूल एरियाज बिकॉज फाइनेंस कमीशन का अंडर में नहीं पड़ता है तो वो हम लोग का बहुत डिसएडवांटेज होके था. बिकॉज ऑफ दिस कांग्रेस पार्टी अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर प्रेसिडेंट श्री निर्मल लांगथासा हम लोग ने 10th अप्रैल 2018 को एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया था, मेमोरेंडम टू द 15th फाइनेंस कमीशन. तो हम लोग ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था, वहाँ डिटेल्स में हम लोग लिखा है कि हम लोग को क्या ज़रूरी है और क्यों 6 शेड्यूल एरिया फाइनेंस कमीशन के अंडर में इंक्लूडेड होना चाहिए और इसलिए आर्टिकल 280 का अमेंडमेंट ज़रूरी था. मेघालय गवर्नमेंट ने मेघालय में भी यही रिकमेंड किया था और अगर ये होगा तो बहुत अच्छा बात है, हम लोग वेलकम करता है ये डिसीजन को. लेकिन अंडर द सेम 6 शेड्यूल अमेंडमेंट बिल हम लोग और एक जो मैसिव चेंज होने वाला है उसको हम लोग वेलकम नहीं कर सकता है, जो है द इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज काउंसिल. विलेज काउंसिल जो है हम लोग का 6 शेड्यूल का अंडर में ऑलरेडी प्रोविजन है कि 6 शेड्यूल अंडर हम लोग का जो लोकल ट्रेडिशन है, यहाँ का कस्टमरी लॉस है, उसको बेस करके बना सकता है बोल के ऑलरेडी प्रोविजंस है. लेकिन अभी जो विलेज काउंसिल जिस तरीका से इंट्रोड्यूस करने का बात है वो एकदम फुल्ली अच्छा से डिटेल प्लान में नहीं दिया है हम लोग को. वो ग्राम पंचायत का मॉडल में बेस्ड करके है एंड एट द सेम टाइम हम लोग काउंसिल को रिकमेंडेशन ऑलरेडी दिया था जो यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी को एक मेमोरेंडम दिया था और हम लोग का NCHills ऑटोनॉमस काउंसिल का सेक्रेटरी के थ्रू से उसमें क्लियरली लिखा है कि बिफोर विलेज काउंसिल का लॉस कैसा होगा, कस्टमरी लॉस फॉलो करके बनाएगा या नहीं, वह सब डिटेल्स में डिस्कस करने के पहले ये बिल पास करना ठीक नहीं है बिकॉज दिस बिल कैन थ्रेटन द फ्यूचर ऑफ द इंडिजिनियस पीपल. इस बार का जो इलेक्शन हुआ था 12th NCHills ऑटोनॉमस काउंसिल इलेक्शन, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे कंडक्ट किया, इलेक्शन कमीशन ने जैसे कंडक्ट किया, उसमें इतना सारा डिस्क्रिपेंसीज था कि हम लोग को हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा. मैंने खुद भी देखा है, हफलोंग में भी बहुत सारा पोलिंग स्टेशन जब विजिट किया था जो ऑफिसर था वहाँ में, वो लोग दे वर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट थिंग्स. मैंने खुद पर्सनली बहुत लोग को बोला है कि आईडी कार्ड चेक करो बिकॉज इस बार सर्कुलर निकला था कि आईडी कार्ड चेक करना है, अगर आईडी कार्ड चेक नहीं करेगा तो वहाँ तो वोट ट्रिगरिंग होगा. तो मैंने बहुत लोग को बोला कि आईडी कार्ड चेक करो, बोलने के बाद वो लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है, ऐसा वाला केस बहुत हुआ है. तो दियुंगब्रा में आप देखो 101 एक्सेस वोट्स मिला है,
बैलेट बॉक्सेस के अंदर एट द एंड ऑल टोटल 101 एक्सेस वोट्स मिला है. फिर वाजाओ में भी ऐसा सेम केस हुआ है. एक वीडियो भी सरफेस हुआ है जो मैं बाद में मीडिया के साथ शेयर करूँगा. ये दिहांगे कॉन्स्टिट्यूंसी से है जहाँ में लोग मतलब एक एक करके आउटसाइड द एक जो एनक्लोजर देता है जिसके अंदर में वोट देता है उसके बाहर में वोट लगा रहा है. सब बीजेपी के ऊपर दे रहा है वोट. और जो ये आदमी जो वीडियो ले रहा है वो बोल रहा है कि वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है मतलब. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन दिस इलेक्शन.